ओमास वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन दो जायंट मॉन्स्टर्स के बीच होने वाला एक ऐसा धमाकेदार महायुद्ध जिसे हर कोई देखना चाहता है और WWE ने खुद ये बताया कि बहुत जल्द ये मैच होने वाला है। तो आखिर कब होगा ये मैच? क्या ओमास ब्रॉन स्ट्रोमैन पर हमला करने वाला है? आइए जानते हैं। दोस्तों साल 2021 में जब ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE से निकाला गया तो विंस मैकमैन के नए जायंट ओमास ने स्ट्रोमैन की जगह लेनी चाहिए। ये खूंखार दानव रिंग में आता और अपने विरोधियों को मसल कर चला जाता, लेकिन बॉबी लैशली ने ओमास को रसलमेनिया में बुरी तरह हराकर इस दानव का खेल खत्म कर डाला। अपने करियर के पहले ही बड़े मैच में हारने के बाद ओमास काफी फीका पड़ गया और अब तो WWE टेलीविजन पर भी ये जॉइंट बहुत कम देखने को मिलता है। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन ने WWE में अपना रिटर्न तो किया, लेकिन उन्हें भी कोई खास स्टोरी लाइन नहीं मिली। बार बार स्ट्रोमैन को गोबर अकेडमी पर ही अपने हाथ साफ करने पड़ रहे हैं। लेकिन बीते रॉ के एपिसोड में जब ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच जेड गैबल के साथ चल रहा था तो उसी समय दिखाया जाता है कि बैकस्टेज लगी टीवी पर दानव ओमास अपने मैनेजर MVP के साथ मिलकर ये मैच देख रहा है। अचानक से WWE का इस दानव को रॉ में लाकर ये दिखाना कि इसकी नजर ब्रॉन स्ट्रोमैन पर है एक इशारा है कि बहुत जल्द ओमास ब्रॉन स्ट्रोमैन पर हमला करके दो महाबली जायंट मॉन्स्टर्स की इस फ्यूड को शुरू करेगा और पॉसिबिलिटी है क्राउन जूल या सर्वाइवर सीरीज में हमें मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन और नाइजीरियन जायंट ओमास के बीच मैच देखने को मिलेगा। लेकिन आपके हिसाब से कौन जीतेगा यह महामुकाबला कॉमेंट करके जरूर बताएं। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।